हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवी स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट डिटेल में डिस्कस किया, आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब पार्ट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। फ्रेंड्स, इस पार्ट को देखने से पहले पहले पार्ट को जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने डिस्कस किया था आपसे नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ये डिटेल में बताया था इसके बारे में, है ना। लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बारे में डिटेल में बताया था। लंग्स के बारे में मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। ब्रोंकाई के बारे में मैंने पूरा बता दिया आपको, राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में बताया था, CO2 और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया था इसमें। दोस्तों, यहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रोसेस को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब बाह्य श्वसन। सेकंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, मतलब गैसों का शरीर में परिवहन। और थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म तथा एनवायरनमेंट के बीच जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, उससे ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। दोस्तों, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होते हैं। एक ऑक्सीजन का शरीर में अंदर आना, जिन्हें इंस्पिरेशन कहते हैं, तथा दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना, जिन्हें एक्सपिरेशन कहते हैं। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हमारे शरीर में 78.09% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक पहुंचता है। तथा जब हम सांस छोड़ते हैं या एक्सपिरेशन के समय, हमारे शरीर से 78.09% नाइट्रोजन, 17% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि नाइट्रोजन में कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब नाइट्रोजन जितना अंदर जाता है उतना ही वो बाहर निकल आता है। दोस्तों, जब हम सांस छोड़ते हैं तो लगभग 400 मिलीलीटर वाटर प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, मतलब गैसों का शरीर में परिवहन। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कैसे होता है, मतलब कैसे जो ये ऑक्सीजन होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन का लंग्स से शरीर से सभी सेल तक पहुंचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स से पुनः वापस आने के जो प्रोसेस है, उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा होता है, जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में पाए जाने वाले रेड पिगमेंट, मतलब हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है। ऑक्सीजन होमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है और सेल तक पहुंचता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन जैसे ही सेल तक पहुंचता है, ये दोनों ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर कर जाता है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन सेल से लंग्स तक तीन प्रकार से होता है। फर्स्ट, हीमोग्लोबिन के द्वारा, इसे 10 से 23% तक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड है प्लाज्मा के द्वारा। ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कार्बनिक अम्ल बनाता है और इसी रूप में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। थर्ड है बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% पार्ट जो भाग है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो ब्लड के पोटेशियम है या सोडियम है उसके साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। तो चलिए दोस्तों, अब थर्ड बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। तो फूड की डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है, मतलब ग्लूकोज प्राप्त होता है जो ब्लड की हेल्प से सेल तक पहुंच जाता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। इस ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन द्वारा क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर तथा एनर्जी प्राप्त होती है। इस प्रोसेस को ही सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। दोस्तों सेलुलर रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों ही कंडीशन में कंप्लीट होती है। दोस्तों यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एनरोबिक रेस्पिरेशन जिसको अनऑक्सीसेशन कहते हैं और सेकंड है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे ऑक्सीसेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों इन दोनों रेस्पिरेशन को समझने से पहले हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को समझ लेते हैं। दोस्तों ग्लाइकोलिसिस सेलुलर रेस्पिरेशन की एक फर्स्ट स्टेज है जो साइटोप्लाज्म में होती है। ये एरोबिक तथा एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन में होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है जिसके बाद ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पाइरूविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनाता है। इस प्रोसेस से जो ऊर्जा प्राप्त होती है इस प्रोसेस से जो ऊर्जा निकलती है उससे चार एटीपी मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। यहाँ पर एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी की करेंसी भी कहा जाता है। यहाँ पर दो एटीपी मॉलिक्यूल इस रिएक्शन को कराने में ख़त्म हो जाती है इसलिए केवल फायदा केवल दो एटीपी मॉलिक्यूल का हो पाता है। दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस की खोज एम्बेडेन, मेयरहॉफ तथा पारनास नामक तीन वैज्ञानिकों ने की थी, इसीलिए इसे रेस्पिरेशन की इस स्टेज को इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम पर EMP पाथवे भी कहते हैं। तो आगे का हम फर्स्ट समझते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन वरना यानी अनऑक्सीसेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ये बिना ऑक्सीजन के ही होता है। इस प्रोसेस में भोजन का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तथा बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दोस्तों इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मसल में लैक्टिक एसिड बनाता है और बैक्टीरिया तथा ईस्ट की सेल में इथाइल अल्कोहल को बनाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, मतलब किण्वन कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको मैं बता दूँ कि फर्मेंटेशन की हेल्प से ही अल्कोहल, सिरका, दही आदि बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है, मतलब बनता है। सेकंड हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, मतलब ऑक्सीसेशन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसमें भोजन ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। दोस्तों जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के अंत में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड तथा काफ़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस दो साइकिल के द्वारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस और सेकंड है क्रैब साइकिल जिसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस में आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बात किया था कि इस प्रोसेस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पाइरूविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनाता है और दो एटीपी मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर केवल दो एटीपी मॉलिक्यूल ही हमें मिल पाती है और बाकी की जो दो एटीपी है हमें क्रैब साइकिल के द्वारा मिलता है जो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। दोस्तों हम सेकेंड बात करते हैं क्रैब साइकिल जिसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल के एक माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस में बने पदार्थ पाइरूविक एसिड पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाती है। दोस्तों इस साइकिल का स्टडी सबसे पहले हैंस एडोल्फ क्रैब ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस साइकिल को क्रैब साइकिल भी कहते हैं। क्रैब साइकिल के पूरे प्रोसेस में पाइरूविक एसिड के एक मॉलिक्यूल टूटकर 18 एटीपी एनर्जी देती है और जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पाइरूविक एसिड के दो मॉलिक्यूल को बनाता है। अगर टोटल एनर्जी की मैं बात करूं तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पाइरूविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनाता है प्लस ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा दो एटीपी हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से देखा जाए तो टोटल हमें 38 एटीपी हमें प्राप्त हो जाती है। दोस्तों रेस्पिरेशन प्रोसेस में भोजन के रूप में हमारा बॉडी सबसे पहले ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है। अगर ग्लूकोज खत्म हो जाता है हमारे बॉडी में तो उसके बाद फैट के साथ रेस्पिरेशन करता है। अगर फैट भी खत्म हो जाए तो लास्ट में प्रोटीन के साथ रेस्पिरेशन करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के दोनों पार्ट कंप्लीट किए हैं। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।